हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट थ्री फ्रेंड्स पे। और फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर की, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा पुस्तक एवं उनसे संबंधित लेखक। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स कृतियाँ दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा बाबर नाम है वो हमारा बाबर ने लिखा था, और जो आपका तुजुक ए जहांगीर पुस्तक है वो आपकी जहांगीर ने लिखी थी, और जो आपका शाहजहां नामा है वो किसने लिखा था? मोहम्मद ताहिर ने। और फ्रेंड्स, इसमें जो हुमायूं नामा दिया गया है वो हुमायूं ने ना लिखकर किसने लिखा था? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा था। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स आपके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि J.L. नेहरू। तो इसमें ए है वो, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, उपन्यास पिंजर किसने लिखा? तो वो लिखा था आपका अमृता प्रीतम ने। किसने लिखा था? अमृता प्रीतम ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रेंटिस ऑफ महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई, का लेखक कौन है? तो वो है आपके शोभा डे। कौन है? शोभा डे। अगला है, निम्न में से किसकी रचना मुल्कराज आनंद ने की थी? तो वो की थी आपकी दी विलेज। किसने? दी विलेज ने की थी। अगला है, क्रिएटिविटी एट द रेट वर्क नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वो है आपके एस रामचंद्र। ये फ्रेंड्स इतनी इम्पोर्टेंट पुस्तक नहीं है। लेकिन अगला है, निम्न में से किस उपन्यास ने लिंकन इन द बार्डो लिखा और बुकर पुरस्कार 2017 के लिए चुने गए? ये फ्रेंड्स करंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। इसमें आपका जॉर्ज सैंडर्स हैं, वो आपके 2017 के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुने गए हैं, जिन्होंने अपना उपन्यास लिखा था लिंकन इन द बार्डो। अगला है, हिंदू व्यू लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। कौन सी बुक लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अगला है, आयना ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी आपकी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अगली पुस्तक है, निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो वो लिखा था आपका गुरु गोविंद सिंह ने। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुशाला किनकी कृति है? तो ये मधुशाला कृति है फ्रेंड्स वो है आपकी हरिवंश राय बच्चन की। क्या है? मधुशाला। फ्रेंड्स इसमें हम लिंक कर सकते हैं हरिवंश राय, जो मधुशाला बुक है वो कृति है वो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? जो पंचतंत्र है उनके लेखक थे वो थे आपके विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। अगला है, पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है? तो वो है आपके मिल्टन। कौन है? मिल्टन। अगला है, ओड टू ए नाइटिंगल के रचयिता कौन है? तो वो है आपके जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, द कोरल आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है आपके जूल्स वर्ने। कौन है? जूल्स वर्ले। कौन है? जूल्स वर्ले। अगला है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखिका है? तो वो है फ्रेंड्स आपके किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। अगला है, गोस्वामी तुलसीदास ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की है? तो तुलसीदास ने फ्रेंड्स किसकी रचना की है आपके सामने, ये तो आप जानते ही होंगे, रामचरितमानस की रचना है वो किसने की है? तुलसीदास ने की है। अगला है, तमिल रामायण किनकी कृति है? तो जो तमिल रामायण है वो आपकी कृति है कम्बन की। कौन की है? कम्बन की। अगला है, इंडियन समर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स आपके जॉन राइट। कौन है?
जॉन राइट। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है, तो वो लिखी है आपकी नीलांजन मुखोपाध्याय। किसने लिखी है? नीलांजन मुखोपाध्याय ने जो बुक लिखी है उसका नाम है नरेंद्र मोदी दी मैन दी टाइम्स नामक पुस्तक। लिखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक है वो है फ्रेंड्स आपके आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। ठीक है, अगला है एज यू लाइक इट पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी आर के नारायण ने नहीं लिखी है, वो फ्रेंड्स लिखी है आपकी शेक्सपियर ने। कौन सी लिखी है? एज यू लाइक इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इज पेरिस वर्निंग पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है आपके लेपियरे एंड कोलिंस। कौन है? लेपियरे एंड कोलिंस। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो वो है आपके रसेल कार्जन। अगले क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक डिजिटल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो वो है आपके डोनाल्ड टैप कास्ट। कौन है? डोनाल्ड टैप कास्ट। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, चर्चित पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो वो है आपके जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। अगला है द सेंस ऑफ एन एंडिंग नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो वो है आपके जूलियन वॉन्स। कौन है? जूलियन वॉन्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, पद्मावत के रचयिता कौन थे? पद्मावत जो पुस्तक है उसके जो रचयिता है वो कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास गोरा के लेखक कौन है? तो ये उपन्यास गोरा है उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ। फोर्स योर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं आपके APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। चलिए फ्रेंड्स, ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।